हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विमरीश यादव। मैं अकेडमी प्लस पे लाइव भी पढ़ाता हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक या यूपीएससी, तो आप वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस और बहुत सारे एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी एक लाइव क्लास को खरीदेंगे तो आप सारे एजुकेटर्स की वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं vimreesh14, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको PDFs और आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ये सारे भी प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इस कोड को यूज़ करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप जाके खरीदिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासेस आपको वहाँ पे कराई जा रही हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सिस्टी पर आपका हार्दिक स्वागत है। एवरेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ऑफिशियल टीम शिक्षा सिटी की आपको करती है। एवरेज पार्ट 4 के बाद अब हम लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट 5, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी एक प्रतिष्ठित जैसे कि RRB, NTPC या फिर SSC CGL या फिर SSC MTS की। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो वो ये है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्रमिक। क्रमिक का बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं है, क्रमिक का मतलब जस्ट वही है, क्रमागत, या इंग्लिश में कह लिया जाए तो कॉन्जिकेटिव, यही मतलब है। एग्ज़ाम में हमेशा ये होता है कि आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे कि वो आपको कठिन लगेगा, लेकिन उसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है, बहुत ही सीधा साधा होता है, जो हम लोग पढ़ भी चुके होते हैं। तो यहाँ पे क्रमिक का मतलब क्रमागत ही है। 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका औसत जो है 25 है, और हमको करना क्या है, उनमें जो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी संख्या है उसका अंतर निकालना। एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि अभी पार्ट 4 तक के वीडियोस में अब तक अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक अप्रोच हमको रखना होगा, और जहाँ तक अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप पहली संख्या को एक्स मान सकते हैं। अगर आपने पहली संख्या को एक्स माना तो उसके बाद सिंपल सी बात है, सम संख्या है तो आपको हर में दो दो बढ़ा के चलना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या आपका हुआ x, दूसरा हो जाएगा x+2, x+4, x+6, x+8 और x+10, ये संख्याएं होंगी। अब क्या करना है, आपसे सीधे सीधे इसने कहा कि पहली संख्या, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो जो सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी वो होगी x+10 और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो है x। दोनों का अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो x+10 - x करने पर जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10, 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा जो है कि ऑप्टिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है और एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ इस तरीके से कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर इसको अप्रोच करना चाहे तो वो उस क्वेश्चन को छोड़ देगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको आखिर करना क्या है, और वो ये सोचेगा कि आखिर एक लाइन में कौन सा क्वेश्चन होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि SSC CGL प्री में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं, आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी आए हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से लगाया है जानबूझकर। द मेन रीज़न इज दिस, इसको अगर हम बेसिक लेवल से लगाते हैं तो आपका एक नहीं, कम से कम यहाँ पे टोटल 3 चीज़ तैयार होगा, टोटल 3 चीज़। इस क्वेश्चन से, ये अपने आप में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से हम 3 चीज़ सीख जाएंगे। यही रीज़न है कि मैंने इसको बेसिक से लगाया है। आइए देखते हैं।
सबसे पहला जो यहाँ हमको चीज़ सीखने को मिलेगा वो ये है, एन पूर्णांकों का योग। पूर्णांक नंबर हम कह सकते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर आपको एन पूर्णांक दे दिया जाए और उसका अगर आपको सम निकालना हो तो बस आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एन एन प्लस वन नंबर टू, उससे आ जाएगा। अब जैसे मैं कहूँ कि पाँच क्रमागत संख्याओं का आप योग निकालिए, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, एन की वैल्यू हो जाएगी उस कंडीशन में फाइव फाइव फिर सिक्स अपॉन टू, आप कर देंगे कटेगा, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन इज़ द करेक्ट आंसर। और आप वन से फाइव तक आप जोड़ के देख भी लेंगे तो एक दो तीन हुआ, तीन तीन छः हुआ, छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, सेम आंसर आ गया। तो ये पहली चीज़ थी जो उस क्वेश्चन से हमको सीखने को मिला, वो ये है कि एन पूर्णांकों का जो योग होता है वो एन एन प्लस वन बाई टू होता है। अब उस कंडीशन में अगर हम बात करें कि एक से सौ तक के आगे सभी पूर्णांकों का, सभी नंबर्स का अगर हम योग निकालना चाहें तो क्या होगा? सिंपल से बात है, इसी फार्मूला को हम यूज़ करें तो सौ इंटू सौ प्लस एक मतलब एक सौ एक बटे दो, सॉल्व होने पे आएगा पचास पचास मतलब पाँच हज़ार पचास, ये आ गया। अब ये पहली चीज़ थी, अब आइए दूसरा चीज़ हम लोग सीखते हैं क्या है? कि एक से सौ तक सम संख्याओं का योग। जब आपको सम संख्याओं का योग निकालना है तो उस कंडीशन में आप एक से सौ तक ये देख लेंगे कि टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट करके वो हंड्रेड तक जाएगा, तो टोटल पचास नंबर्स मिलेंगे। इन पूरे नंबर्स में आपको कॉमन मिलेगा टू, आप उसको बाहर निकाल लीजिए, उभयनिष्ठ है वो बाहर निकल गया। अब आपके ब्रैकेट में जो बचा वो बचा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, इस तरह से करके फिफ्टी तक वो बचेगा। अगर ये फिफ्टी तक बचता है तो ये कहीं ना कहीं यही वाला कॉन्सेप्ट है, एन एन प्लस वन बाई टू आप लगा सकते हैं। तो पचास नंबर है, पचास तक की संख्याओं के लिए पचास गुणे इक्यावन बटे दो कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा दो गुणे पचास गुणे इक्यावन बटे दो इज इक्वल टू दो हज़ार पाँच सौ पचास, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तक का। अभी हम लोगों ने एक चीज़ सीखा, दो चीज़ सीखा, अब आइए क्या तीसरे की बात करते हैं। अब यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, अब आपको करना क्या है कि आपको सभी विषम संख्याओं का जो है कि औसत निकालना था, तो आप विषम संख्याओं का योग निकाल लीजिए। आपके पास पूरा योग है, सम संख्याओं का योग है, दोनों को आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे ढाई हज़ार दो हज़ार पाँच सौ आ जाएगा, और यहाँ पे दो हज़ार पाँच सौ आया है। तो एक से सौ तक में अगर हम विषम संख्याओं की संख्या की बात करें तो पचास संख्याएँ होती हैं। आप औसत का फार्मूला अप्लाई करें, ढाई हज़ार जो कि पदों का योग है, उसके विषम संख्याओं के पदों का विषम संख्याओं का योग है और पचास पद है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली चीज़ हमको ये सीखने को मिली जो यहाँ पे था, दूसरा ये चीज़ सीखने को मिला, और तीसरा ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर डाला। सो फ्रेंड्स, इससे हम लोगों ने तीन चीज़ जो है कि सीखा। यही रीज़न है कि मैं इसको बेसिक से बताया हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, प्रोसेस को समझ सकें, प्रोसीजर को समझ सकें, स्टेप्स को समझ सकें। आपका अगर बेसिक क्लियर है तो कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है मैथ्स में, चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर वहाँ पे मैथ्स है तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और ये खासियत है इस मैथ्स का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा जो है कि इसको भी देखा जाए। कह रहा है कि पांच क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n है, पांच क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि वो n है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक यूज़ किया है किसका, एक वेरिएबल का, चर का यूज़ किया है, और कह रहा है कि यदि अगले दो पूर्णांक भी इसमें शामिल कर दिए जाएं तो उस कंडीशन में इन सभी का औसत क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक संख्या मानेंगे और उससे पांच क्रमागत संख्याएं निकालेंगे। तो पहला संख्या हमने मान लिया x, दूसरा हो जाएगा x प्लस वन, तीसरा x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव, यहाँ तक हम चले जाएंगे ना। ये टोटल छः संख्या हो गई, हमें पाँच संख्या तक चाहिए, मतलब x प्लस फोर तक हम आएंगे। आफ्टर इट हम क्या करें, इसके वैल्यूज़, इसका औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करिए कि इन पाँचों संख्याओं को जोड़ दीजिए और बटे पाँच कर दीजिए। अब जब आप बटे पाँच करेंगे तो उस कंडीशन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बन जाएंगे। तो x
एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव एक्स प्लस टेन अपॉन फाइव आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी औसत की वो आ जाएगी एक्स प्लस टू। अब इसके बाद इसमें एक नया कंडीशन इन्होंने क्या दिया कि कह रहा है कि दो पूर्णांक और शामिल कर दीजिए, मतलब एक्स प्लस फाइव भी शामिल करना है और एक्स प्लस सिक्स भी शामिल करना है। जब भी आप दोनों शामिल करेंगे उस कंडीशन पर तो क्या होगा, जब आप इसको शामिल करेंगे तो टोटल सात संख्याएं हो जाएंगी। पाँच तक का जो सम था वो आया था फाइव एक्स प्लस टेन, अब इसमें एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस सिक्स आप जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी वन, और इसको आप सेवन से जब डिवाइड करेंगे तो सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी वन अपॉन सेवन बनेगा। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। तो ये चीज़ें इतनी बन के आई। अब इन्होंने जो है यहाँ तक बात इन्होंने कह दिया। अब इसके बाद इन सभी का औसत निकालने के लिए बस आपको यहाँ तक ही आना है x प्लस थ्री तक, बस यहाँ तक ही आपको आके काम ख़त्म कर देना है। अब मान लेते हैं इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि नया औसत इसने पूछा कि जो है कि अब जब हम ऐसा काम कर देते हैं दो नंबर और ले लेते हैं तो अब नया औसत क्या होगा। तो नया औसत जो है कि x प्लस टू की जगह x प्लस थ्री हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं कि इसी में एक लाइन और जोड़ देगा कि इनका अंतर बताइए, पहले वाले औसत का और बाद वाले औसत का अंतर बताइए। तो उस कंडीशन में आप ये प्रोसेस करेंगे, x प्लस थ्री और x प्लस टू को आप घटा देंगे तो वहाँ जो औसत का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा वन। तो ये आपका जो है करेंट सिचुएशन और इस तरीके से जो है चीज़ें बनेंगी। तो ये काम आप तब करेंगे जब आपसे वो वहाँ पे कहेगा करने के लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ही रुक जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको जो है कि प्रैक्टिस करवाया है, आप इसको देख सकते हैं। सात क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है बीस। सात क्रमागत संख्या है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जैसे भी आप जो भी चाहे ले लें, मतलब क्रमागत है। तो अब ये कंडीशन है, लेकिन इनमें से इसने बोल दिया है कि उसका जो औसत है वो 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा कि उस संख्या सोचने लगेगा, करने की कोशिश करेगा, या फिर वो x को मानेगा, छह संख्याएं निकालेगा, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। इतना बड़ा बवाल नहीं करना है, आप जरा सा थोड़ा सा ट्रिक लगाएं। है क्या सात संख्याएं हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात संख्याएं। तो जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाला होता है। अब सात संख्याएं हैं तो उसका जो बीच वाला होगा वो चौथा नंबर होगा। तो आप क्या करें, ठीक चौथे नंबर पे आप वो औसत रख दीजिए, बीस को रख दीजिए, और फिर उसके इधर तीन नंबर और उसके इधर तीन नंबर आप लिख दीजिए। अब कंडीशन क्या है कि औसत हमने लिख दिया 20, 20 के आगे चला 21, 22, 23, इसके पीछे 19, 18, 17। तो अब सिचुएशन क्या बन गए, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये बन गया। अब आपसे क्वेश्चन इसने पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है साहब 23, ये 23, ये जो है सबसे बड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, 23, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये है। यहाँ पे कह रहा है कि एक और बीस के बीच अभाज्य संख्याएं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर इनको बोला जाता है इंग्लिश में। प्राइम नंबर के बारे में अगर आपको बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम नंबर या आभाज संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका केवल दो गुणनखंड होता है। एक तो वो खुद वो सेल्फ नंबर होगा, खुद वो नंबर होता है, और दूसरा एक होता है। तो दो नंबर उसके केवल जो है कि गुणनखंड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 1 से 20 तक अगर हम बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये इतने अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। टोटल 8 अभाज्य संख्याएं होंगी वहाँ पे। अब आपको उनका औसत निकालना है, तो
औसत निकालने के लिए मैं सिंपल से बता दूं आपको, सबसे पहले सारी संख्याओं का योग कर लीजिए, योग करने के बाद उसमें आप पदों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सबको जोड़ेंगे तो 77 मतलब कि 77 आएगा, और बटे 8 कर देंगे, और उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 सही 5/8 मतलब कि 9 वोल 5/8 आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा। सो फ्रेंड्स, ये था एवरेज का पार्ट 5। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराई जाएगी, चाहे वो मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, खास करके क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर ध्यान अधिक है। उसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, बायो की बात कर लें, या फिर करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ अपलोड होते हैं, रेगुलर अपलोड होते हैं, रेगुलर चैनल है, जो कि आपके कंपटीशंस के लिए जो है कि पूरी तरीके से जो है कि समर्पित और प्रतिबद्ध है। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।